हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशा। आज की जो ये मेरी वीडियो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। आप देख सकते हो इस तरीके से हमारे जो ये बर्तन रखे हुए हैं ये तांबे के हैं और बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरे दिख रहे हैं, बट ये ऐसे थे नहीं, इसे मैंने बनाया है इस तरीके से। तो कैसे मैंने इन्हें साफ़ किया है चलिए देख लेते हैं। तो ये हमारा पूजा वाला तांबे का लोटा है जिसे हम पूजा में यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, इतना गंदा नहीं है, मैं इसे साफ़ करती रहती हूँ। और ये जो कलावा बंधा था इसे हम हटा देंगे, कलावे वाला जो जगह होता है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, इसलिए मैं अभी साफ़ कर रही हूँ तो इसे हटा दूँगी, वापस से मैं बाद में नया लगा दूँगी। और इसे मैंने साफ़ कैसे किया है चलिए देख लेते हैं। तो एक बाउल ले लेंगे, बाउल में हम 1.5 गिलास पानी ले लेंगे और विनेगर ले लेंगे। जितना हमने पानी लिया है उसका आधा हमें विनेगर लेना है और लगभग 2 चम्मच हम नमक डाल देते हैं। एक हम नींबू निचोड़ देंगे इस तरीके से, एक नींबू का पूरा रस मतलब डाल देंगे। और ये जो नींबू का छिलका है इसे हमें बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, इसमें जितनी भी जान होगी उसे हमें निकालना है। वो कैसे करना है चलिए आगे देख लेंगे। अभी हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये है जादुई पानी जिसमें कि हमारे ये जो तांबे पीतल जो भी बर्तन हैं वो साफ़ हो जाते हैं, बहुत ही फटाफट साफ़ होते हैं और अभी आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। तो ये जो हमारा लोटा है आप देख सकते हो, मैं सिर्फ इस तरीके से इसमें राउंड कर रही हूँ और लोटा साफ़ होना स्टार्ट हो चुका है जैसा कि आप देख ही सकते हो। तो ये लोटा तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, ये बहुत ही ईजिली साफ़ हो जा रहा है। तो आप सोच रहे होगे कि ये तो नॉर्मल भी साफ़ किया जा सकता है, बट इससे भी ज़्यादा गंदा हमारा एक जग है जो कि तांबे का है, मैं उसे आगे आपको दिखाऊंगी। पहले मैं इस तरीके से लोटे को साफ़ कर लेती हूँ। तो जो ये नींबू का छिलका है इससे मैं इस तरीके से साफ़ कर लेती हूँ, कहने का मतलब है कि जो नींबू की जान है वो अच्छे से निकाल लेते हैं। ऐसे रगड़ रगड़ के हम साफ़ कर लेंगे अपने तांबे के लोटे को और परफेक्टली हमारा ये लोटा साफ़ हो चुका है। बस इसे अब हम ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत ही नहीं लगती है, फटाफट से ये साफ़ हो जाता है। डेली इसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब कभी आपको लगे कि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है तो आप इस तरीके से साफ़ कर सकते हो। तो अभी जो ये नींबू के पानी का जो काम था वो तो हो चुका है और अंदर जो तला था वो भी देख सकते हो, अंदर का जो तला होता है वो ज़्यादा गंदा होता है, वो भी बहुत ही अच्छे से साफ़ हो चुका है। तो अब चलिए इसको हम बिल्कुल क्लीन कर देते हैं, क्योंकि मैं तो वीडियो बना रही हूँ तो मुझे तो इसे बहुत ही अच्छे से क्लीन करना है। उससे पहले मैं लोटे को क्लीन करने से पहले मैं आपको दिखा दूं हमारा ये गंदा सा जग जिसमें कि मैं पानी वगैरह भरती थी, उसके बाद मैंने इसे ऐसे ही ढक के रख दिया था और ये बहुत ज़्यादा काला हो गया, ग्रीन कलर की जो काई जम जाती है पानी की वैसा हो चुका है। तो आप देख सकते हो लोटे में इतना कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं लोटे को अलग कर लेती हूँ, उसे मैं ऐसे साफ़ कर लूँगी आगे। और ये जो हमारा जादुई पानी है इसे मैं जग में इस तरीके से डाल दूंगी, कहने का मतलब है कि भर देती हूँ, जितना भी पानी है उसे मैं जग में ट्रांसफ़र कर दूंगी और लगभग 5 से 10 मिनट, इससे ज़्यादा हमें इसको साफ़ करने के लिए टाइम नहीं बर्बाद करना है। तो इस तरीके से जग में हम ये जादुई पानी ट्रांसफ़र करेंगे और बस इसे हम इस तरीके से रख देते हैं लगभग 5 से 10 मिनट के लिए। और आप देख सकते हो बस राउंड करते जाएंगे जग को अंदर से साफ़ करने के लिए और बाहर से बस हम हाथ से पानी ही मैं आप लगा के दिखा रही हूँ। और आप देख सकते हो कितना परफेक्ट हमारा ये जग भी साफ़ हो जा रहा है। और जो नींबू का छिलका था दूसरा वाला उससे मैं इसके बाहर का हिस्सा साफ़ कर लेती हूँ सेम प्रोसेस के साथ जैसे कि मैंने लोटे को साफ़ किया था। और जो इसका ढक्कन है हमारे जग का ये भी थोड़ा सा गंदा है, इसे भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। थोड़ा सा यही पानी जो जादुई पानी है इसे मैं डाल लूँगी और आप देख सकते हो मैं आपको दिखा रही हूँ कि अंदर भी कितना परफेक्ट साफ़ होना स्टार्ट हो चुका है। और ढक्कन भी आप देख सकते हो बहुत ज़रा सा 2 चम्मच के करीब मैंने पानी लिया होगा और कमाल आप देख सकते हो।
बहुत ही परफेक्ट, मतलब बहुत ज़्यादा कोई मेहनत ही नहीं करनी है। और आपका जो ये बर्तन है, जो भी तांबा पीतल का बर्तन भी आप इसी तरीके से साफ कर सकते हो, तो जो भी बर्तन है वो बिल्कुल नया, जैसे हम नया लेकर आते हैं ना, सेम वैसा ही हो जाने वाला है। तो आप इस तरीके से ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। और ज़्यादातर चीज़ें जो मैंने यूज़ की हैं इस वीडियो में, वो हमारे घर में होती ही होती है। विनेगर भी हम किसी ना किसी चीज़ में यूज़ करते हैं तो हम रखते ही हैं, ज़्यादातर अचार वगैरह में हम डालते ही हैं, और नींबू तो रहता ही है। नमक के बिना तो हमारा किचन ही अधूरा होता है, कहने का मतलब है कुछ भी खाया नहीं जा सकता है, तो नमक तो रहता ही, पानी की बात ही ख़त्म हो गई। तो इस तरीके से सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं घर में, तो इस तरीके से आप ज़रूर साफ़ करिएगा। और जो ये लोटा है हमारा, इसे मैंने ज़्यादा भी पानी से ही साफ़ करके रख दिया था, और अब इसे हम नॉर्मल जैसे कि बर्तन साफ़ करते हैं ना, तो बर्तन वाला जो स्क्रॉच होता है, स्क्रॉच ब्राइट, उससे हम थोड़ा सा साबुन लगा लेंगे, जो बर्तन साफ़ करने के लिए साबुन हम यूज़ करते हैं। तो बस जिस तरीके से हम बर्तन रगड़ते हैं, साफ़ करते हैं, बस उसी तरीके से हम नॉर्मली इसे घुमा घुमा के अच्छे से रगड़ के साफ़ कर लेंगे। क्योंकि जो भी मतलब तांबे का बर्तन का जो गंदगी होता है ना, वो तो साफ़ ही हो चुका है, बस हमें इसे नॉर्मल इस तरीके से साफ़ करना है, जैसे कि हम नॉर्मल स्टील के बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं। तो बस ये अच्छे से साफ़ हो चुका है, अब इसे हम साफ़ पानी से धुल लेते हैं और रिजल्ट देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो बहुत ही परफेक्ट हमारा ये लोटा, पूजा का तांबे का लोटा बहुत ही परफेक्ट चमकने लग गया है। और अब एक और बात कि इसे हम एक बार और अच्छे से पानी से धुल लेंगे, साफ पानी से। और अब इसके लिए हमें क्या करना है कि ये ऐसे ही बना रहे, तो एक सूती कपड़ा लेना है, कॉटन का कपड़ा, और कॉटन के कपड़े से हमें इसे अच्छे से पोंछ देना है। कहने का मतलब है कि जो भी पानी है उसका हम सुखा देंगे, और वैसे भी ये पानी है, हम पूजा में जब यूज़ करते हैं तो पानी ही तो भरते हैं, तो ये वापस से गंदा हो जाता है, और अंदर के साइड, और बाहर तो उतना नहीं होता है, तो जब कभी ज़्यादा हो जाए तो बस इस तरीके से साफ़ कर सकते हैं। और आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा चमक उठा है हमारा ये लोटा, मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और बस जितनी देर में मैंने लोटा साफ़ किया है, उतनी देर में हमारा ये और जग भी तैयार हो चुका है साफ होके। तो मैं इसे भी चेक कर लेती हूँ, आप देख सकते हो जो भी वो गंदगी होती है ना, वो ग्रीन कलर की, वो ऊपर उभर के आ गई है, अलग दिखने लग गई, बस आप उंगली लगाएंगे तो निकल के बाहर आ जाएगी, मतलब साफ होने लग जाएगी। और जो पानी मैंने डाला था, ये जादुई पानी, वो बिल्कुल व्हाइट था, और आप देख सकते हो हल्का ग्रीन कलर का, जो अंदर की गंदगी थी ना ग्रीन कलर की, वो छूट के उसने पानी का पूरा कलर ही चेंज कर दिया है। तो सारे पानी को हम वापस से बाउल में ही ट्रांसफ़र कर लेंगे, और जो बाहर का हिस्सा है उससे भी हम साफ़ कर लेते हैं जग का। और बस बहुत ज़्यादा कोई मेहनत है ही नहीं, बस इस तरीके से ही हम साफ़ करेंगे। और सेम जैसा हमने लोटे के साथ किया है ना, लोटे को मैंने जैसे साफ़ किया है साबुन से, बर्तन वाले साबुन से, बस उसी तरीके से हम इसे भी रगड़ के साफ़ कर लेंगे, और बस अच्छे से साफ़ कर लेंगे। साफ़ पानी से इसे भी धुल लेंगे, कॉटन के कपड़े से हम इसे भी पोंछ लेंगे, और बस हमारा जो तांबे का बर्तन है बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल नया जैसा है, लग ही नहीं रहा है कि ये पुराना हमारा गंदा संदा सा जो हमारा तांबे का बर्तन था, जग था, वही है ये, बिल्कुल पहचान में नहीं आएगा। तो इस तरीके से साफ़ करते रहिए, तो चीज़ें हमारी जो होती है वो लंबे टाइम तक चलती हैं। ढक्कन भी आप देख सकते हो बहुत ही परफेक्ट साफ़ हो चुका है। तो चलिए अब इसे मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ और पोंछ लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। तो साबुन से अच्छे से साफ़ करने के बाद मैंने इसे साफ़ पानी से धुल लिया, और आप देख सकते हो रिजल्ट कितना परफेक्ट है, लोटे से भी ज़्यादा ये जग हमारा साफ़ हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदा था। इससे तो हम बिल्कुल उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि ये इतना साफ़ हो जाएगा। और बस इसे भी हम कॉटन के कपड़े से पोंछ लेते हैं, पानी सारा इसका हम सुखा देंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा बहुत ही कम मेहनत में, बहुत ही कम सामान में मैंने इसे बिल्कुल नया कर लिया है, साफ़ करके बिल्कुल चमक उठा है, बिल्कुल नए जैसा लग रहा है, और अंदर का हिस्सा मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ।
क्योंकि जो जग के अंदर का हिस्सा था वही सबसे ज़्यादा गंदा था और वो इतना अच्छा परफेक्ट साफ हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आप भी एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।